राजस्थान का सीएम कौन होगा, इसका फैसला आज शाम 5 बजे तक हो जाएगा। आज बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और अन्य पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह सभी निर्वाचित विधायकों से चर्चा करेंगे। इसके बाद वे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। वहीं वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों के साथ मुलाकात कर लगातार अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है। सोमवार को सुबह से लेकर रात तक वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों का तांता लगा रहा, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 3 बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को दरकिनार करके केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव को मुख्यमंत्री बनाया, वहीं मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव के रूप में नया चेहरा सामने आया है। उसे लगता है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं, उनमें बाबा बालकनाथ, ओम माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और सीपी जोशी जैसे नाम शामिल है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी पत्ते बिल्कुल तरीके से बंद हैं और इंतजार इसी बात का है, तकतकी इसी पर लगाई जा रही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले जिस तरीके के कयास चल रहे थे, जिस तरीके के फहरिस्त जो है मीडिया में सामने थी, उसको लेकर अभी संशय की स्थिति बरकरार है। स्फूर्ति उसका सीधे तौर पर कारण यह है कि अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें और मध्य प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति कल बनी जी, उन दोनों को देखते हुए राजस्थान में भी इसी तरीके का कुछ होता हुआ नजर आएगा और चौंकाने वाला नाम ही होगा, क्योंकि जिस तरीके का फार्मूला चुनाव के बाद सामने आया था कि 70 साल से कम उम्र के जो कैंडिडेट है उसी को कमान दी जाएगी मुख्यमंत्री पद की, दोनों जगह हमने देखा, छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश, दोनों जगह जो है युवाओं को मौका दिया गया है। बात एक्सपीरियंस की भी चल रही थी कि एक्सपीरियंस जिसका होगा उसको कमान दी जा सकती है, लेकिन कल जिस तरीके से मोहन यादव का नाम सामने आया, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आरएसएस के खासे वो करीबी माने जाते हैं और पहली बार ही उच्च शिक्षा मंत्री बने थे जी, और 2020 में ही तो सरकार चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो केवल 3 साल का उनका है, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ दिलाई जाएगी आगे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान में भी कोई ऐसा ही चौंकाने वाला नाम आएगा। जो फहरिस्त लगातार मीडिया में चल रही है, शायद उनमें से वो नाम हो या ना हो, लेकिन एक फार्मूला जरूर तय है, वो ये है कि एक मुख्यमंत्री होंगे, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और सभी को साधने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी तुरंत ही घोषित किया जा सकता है। स्फूर्ति दुर्गेश, इसी के साथ में आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसको लेकर क्या जानकारी? आज सभी पर्यवेक्षक जयपुर आएंगे, वहां पर बैठक की जाएगी, क्या कुछ जानकारी? कि पर्यवेक्षकों का आना तो तय है, हम लगातार कहते आए हैं, एवं टीवी से हमने लगातार कहा है कि जो है वो पर्यवेक्षक का उनका आधिकारिक जो है वो जो प्रोग्राम था वो नहीं मिल पाया था, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री हैं, तो एक प्रोटोकॉल उनका है और उसी प्रोटोकॉल के तहत जो है उनका सिक्योरिटी और वो सारा देखा जाता है, उनकी फर्स्ट सिक्योरिटी जो है वो 2 दिन पहले आ चुकी थी और कल जो है वो उनकी सिक्योरिटी आ गई है और उन्होंने जो प्रदेश मुख्यालय बीजेपी का उसको भी खाली करवा लिया गया, होटल ललित में उनके रुकने का कार्यक्रम है, वहां पर भी सिक्योरिटी पहुंच गई है, तो आज 12 बजे
तक वो यहाँ पहुंचेंगे। तीनों जो पर्यवेक्षक हैं एक साथ आने वाले हैं और उसके बाद वो होटल ललित में ही पदाधिकारियों से जो है संगठन के उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है उनका कार्यक्रम जो है 4 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचने का है। वहां पर विधायक दल की बैठक होगी, उसमें वो शिरकत करेंगे और उसके बाद वहां पर जो है सदन का नेता जो है वो चुना जाएगा। जी दुर्गेश, इसी के साथ में अगर देखा जाए कि नए चेहरे को क्या मौका मिल सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमने जैसे देखा कि नए चेहरों को मौका दिया गया है, तो ऐसे भी राजस्थान में क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? और अगर एक तरफ देखा जाए तो वसुंधरा राजे की भी मुलाकातों और बैठकों का दौर जारी है, तो वहां भी कुछ डायवर्जन दिखाई देता है। बिल्कुल, आपका इशारा ठीक है। देखिए, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं वो इस कोशिश में रही हैं, उनके 13 नंबर सिविल लाइन्स वाले बंगले पर लगातार विधायकों का आना जाना और एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स की स्थिति जो है वो दिखाई दी थी। उसके बाद जो है यहाँ से संगठन से भी और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी उनको निर्देश दिए गए थे, उसके बाद जो है थोड़ा उन मुलाकातों का दौर जरूर कम हुआ, लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि ये तो कट से मुलाकात है, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। उनके जो खासे माने जाते हैं कालीचरण सराफ, उनका बयान सामने आया था, पहले उनका बयान आया था कि हमारे साथ 70 जो है विधायक हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ। उसके बाद उसको बड़ा उस बयान के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी प्रतिक्रिया ली और उन्होंने सीधे तौर पर इसको प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा। उसके बाद सारी चीजें थोड़ी सी डाइल्यूट हुई। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस बात को लेकर बयान तो नहीं दिया, लेकिन उनका सीधे तौर पर ट्वीट्स आने लगे। उसके बाद थोड़ा सा लगने लगा था कि चीजें जो है वो मैनेज होगी, लेकिन उसके बाद लगातार जो उनसे मुलाकातों का दौर चल रहा है इसको लेकर बिल्कुल स्थिति जो है मीडिया में इस तरीके की बन रही है कि वो जो है प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहती। देखिए, उनके जो राजनीति करने का जो तरीका है वो हमेशा से डोमिनेट वाला रहा है और वो डोमिनेट करती हुई फिलहाल नजर आ रही है, तो अब केंद्रीय नेतृत्व उनके डोमिनेशन को लेकर क्या कुछ करेगा ये तो वक्त तय करेगा। आज 4 बजे के बाद जो है स्थितियां सीधे तौर पर क्लियर हो जाएंगी। जी दुर्गेश, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, आज ये फैसला हो सकता है।